I am Rupesh Sundar, you are watching National Reporter. Thank you, sir. सर सबसे पहले आप बिग बॉस देख रहे होंगे तो कितना आप एंजॉय कर रहे हैं बिग बॉस? बिग बॉस तो मैं एक भी एपिसोड मिस नहीं करता हूँ मैं, और अगर कभी मिस भी हो जाता है तो मैं रात को जाकर रिपीट देख लेता हूँ मैं। तो कई सारे कंटेस्टेंट है, काफ़ी लोग धमाल मचा रहे हैं, तो आपकी फेवरेट कौन है? तो धमाल तो एक ही उसमें मचाता है, वो प्रतीक सेजपाल है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी हो, वो अपना मौका निकाल के धमाल मचा लेता है उसके अंदर। और जैसा प्रतीक है उसका टोटली अपोजिट सिम्बा भी है। मुझे दोनों कैरेक्टर्स पसंद आते हैं, एक लाउड है और एक थोड़ा सटल है, लेकिन वो सटल रह के ही अपना सारा काम कर लेता है वो। लेकिन प्रतीक को हर वक्त लोग डांटते हैं, उनके बारे में गलत गलत बोला जाता है, मारा भी जाता है, क्या कहना चाहिए? आई थिंक वही उसका USP है, वही उसका USP मुझे लगता है कि वो जिस तरह से जैसा है वैसा ही दिख रहा है वो उसमें। और सिम्बा के बारे में क्या कह रहे हैं? सिम्बा को बोलते हैं कि वेरी स्लो गेम। आई थिंक वो जो सलमान सर भी बोलते हैं कि वो स्लोली है, मतलब कछुआ बोल सकते हैं, वो विन करेगा मुझे लगता है। टॉप 5 में तो रहेगा ही मुझे लगता है, जिस तरह से वो कर रहा है वो। और अच्छा लगता है वो सिम्बा भी मुझे। कहीं ना कहीं आपको लगता है वो वेरी स्लो गेम है, कुछ रोमांस कर सकता था गेम में? ऑब्वियसली कर सकता था, कोई लड़की है ही नहीं उसके हिसाब से। सब तो क्या, कौन सी लड़की बची है बताइए उसमें उसको रोमांस करने के लिए, कोई है ही नहीं कर सकता था, लेकिन मिस कर दिया उसने। लेकिन अगर हम बात करें इस बिग बॉस के, काफ़ी जो गेम खेल रहा है सिर्फ प्रतीक ही खेल रहा है, उसके अलावा पूरा शो ठंडा लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है? नहीं, कभी कभी अपना जय भानुशाली थोड़ा बहुत कर लेते हैं वो। आई थिंक बिग बॉस में मुझे जय भानुशाली और प्रतीक यही दो लोग लग रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लग रहे हैं, लड़ रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। और करण कुंद्रा और तेजस्वी का, दोनों का रोमांस क्या लग रहा है? वो तो बहुत अच्छा लग रहा है रोमांस। तेजस्वी ने मेरे साथ काम भी किया हुआ है और तेजा बहुत अच्छा कर रही है, और जैसे कर रही है जैसी है वैसी दिख रही है तेजा, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रही। जैसे रूमर्स आ रहा है कि वो कैमरे के लिए कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तेजा को जानता हूँ, तेजा बहुत अच्छा कर रही है और तेजा अच्छा करेगी आगे तक। लेकिन लोग कह रहे जो रोमांटिक जो चल रहा है वो सिर्फ कैमरे के लिए ही है, तेजा और करण का। देखो वो अंदर वो लोग हैं, अब वो लोग कैसे सिचुएशन अंदर होती है वो उन पे डिपेंड करता है। हम तो बाहर से बैठ के देख रहे हैं, हम तो थोड़ा फुटेज देख रहे हैं ना। अब वो अंदर अंदर अगर उनका कुछ डेवलपमेंट हो रहा है तो फिर तो बुराई कुछ नहीं है। निशांत भी है, नेहा भी है, शमिता शेट्टी है, क्या कहना चाहिए इन लोगों को? OTT platform, हाँ वो OTT वाले हैं, अच्छा कर रहे हैं वो लोग। मेरे फेवरेट इसमें तीन ही हैं, प्रतीक है, सिम्बा है और तेजा है। तेजा और जय भानुशाली की अगर हम बात करें, उनका गेम भी काफ़ी स्लो हो चुका है, बैक बीचिंग कर रहे हैं बेसिकली। वो भी आएंगे आगे, धीरे धीरे को ओपन अप हो जाएंगे वो भी आएंगे आगे। तो आपको लगता है आगे तक जय जा पाएगा? मुझे लगता है ऐसा है कि अभी वो पिकअप करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें प्रतीक की, प्रतीक ने काफ़ी OTT में भी पूरा गेम को संभाला, अगर आपने देखा होगा पूरी तरह से। इससे तो बोल रहा हूँ कि उसको पैटर्न मालूम है किस तरह से कैसे करना है वो। एक बार प्रतीक अगर खड़ा भी होता है तो उसको शांत करने के लिए सभी लोग लग जाते हैं, फिर शांत नहीं होता। तो ऐसा तो नहीं होगा कुछ फिक्सिंग हो जाएगी कलर्स का, टॉप 5 में भी उसको ना रखें? अब वो तो देखो आगे आया वक्त ही बताएगा क्या होगा क्या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो टॉप 5 में तो जरूर रहेगा। और शमिता शेट्टी का गेम कैसा लग रहा है आपको? वो भी अच्छा खेल रही है, अच्छा लग रहा है मुझे। आखिर में अगर आपको कुछ आईना दिखाने के लिए बिग बॉस के घर पर अगर आपको भेजा जाए तो किन किन को आप आईना दिखाएंगे? ओहो, ये सारे क्वेश्चंस आप भी कर रहे हैं बिग बॉस वाले यार, ये मैसे मत पूछो। एक आईना, एक जन को आईना दिखाने के लिए? नहीं 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 सॉरी, ये सब नहीं बोल सकते। आखिर में अपने फैंस से क्या कहना चाहिए आप, जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं? मैं बोलूँगा कि आप लोग देखिए बिग बॉस, और इस तरह से अपने वोटिंग से प्यार से उनको बजाते रहिए। थैंक यू सो मच सर। एक चैनल आईडी